हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अर्चना फैशन डिज़ाइनर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, एक बुनाई डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत आसान सा और बहुत ही प्यारा सा बुनाई डिज़ाइन है। इसको बिगिनर्स बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ये बुनाई डिज़ाइन सिर्फ दो सिलाइयों का डिज़ाइन है। ओनली टू रोज में ये बन के कम्प्लीट हो जाता है, और इतना आसान है। आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको बनाने में। इसे एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे ना, इसे बनाने के लिए मैंने फंदे लिए हैं 5 के मल्टीपल में, ठीक है। 5 के गुने में आपको फंदे लेने हैं, प्लस इसमें 4 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं डिज़ाइन को सेट करने के लिए और एज स्टिच के लिए। 5 के मल्टीपल में फंदे लेके 4 एक्स्ट्रा रखने हैं। तो डिज़ाइन पैटर्न की जो फर्स्ट रो है ना, वो आपकी रॉन्ग साइड से आएगी। मतलब डिज़ाइन की फर्स्ट रो रॉन्ग साइड से आएगी, लेकिन उससे पहले हम यहाँ आए हैं अपनी सीधी सिलाई पर। तो सीधी सिलाई पे एक बेस रो बनेगी जो कि रिपीट नहीं होगी, ठीक है, दोबारा नहीं बनाए जाएंगे। तो ये फर्स्ट रो है बेस रो। तो यहाँ पे पहला फंदा देखिए आप सीधा बना लेंगे, क्योंकि ये एज स्टिच है इसलिए इसके। तो देखिए पहला फंदा आपने इस तरह से ले लिया। इसके बाद धागा लाएंगे अपनी तरफ। अब इसके बाद 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, क्योंकि ये बेस रो है। 2 फंदे आप उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे कर लेंगे। अब देखिए 3 फंदे आप सीधे बनाएंगे यहाँ पे, 1 2 3। अब ये जो 5 फंदे बनाए, यही बार बार रिपीट करेंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 2। धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 2। धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा। अब देखिए आ गए हम अपनी सेकेंड रो पे। तो यहाँ पे देखिएगा करेंगे क्या, पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेके जाएंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2। धागा अपनी तरफ लाएंगे। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से हमारा डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा इस रो से, उल्टी साइड से ही डिज़ाइन पड़ेगा। तो ये जो 3 फंदे उल्टे हैं ना, इनको हमें एक साथ लेना है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। और 3 फंदे से हमें 5 फंदे बनाने हैं। तो देखिए एक ये हो गया, 2 हो गया, ये हमने लपेट लिया धागा सिलाई पे, तो ये हो गए 2 फंदे। अब हमने एक बार और बुन लिया, ठीक है, तो ये हो गए 3। फिर हमने एक बार लपेटा, 4 फंदा हो गया। एक बार और बुना, 5 फंदा हो गया, ठीक है। इस तरह से ये 5 फंदे बन गए। अब देखो धागा पीछे ले जाएंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2। फिर वही रिपीट करेंगे, धागा अपनी तरफ, ये देखिए 3 फंदे हैं, 3 से 5 बनाएंगे, देखिए 1 2 3 4 और ये 5। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2। धागा अपनी तरफ, 3 फंदे हैं ये, 3 फंदे से 5 बनाएंगे, 1 2 3। देखो 5 हो गए। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, एज स्टिच को उल्टा बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमने फर्स्ट रो बना के कर ली कंप्लीट। अब हम आ गए पैटर्न की सेकंड रो पे। तो देखिएगा सेकंड रो को भी ध्यान से देखिएगा, पहला फंदा स्लिप करके धागा ले लेंगे, धागा अपनी तरफ लेंगे। देखिए सेकंड रो जो है ना, वो फ्रंट साइड से है। 2 फंदे बनाएंगे हम यहाँ पे उल्टे, धागा पीछे जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये 5 फंदे से हमें वापस 3 फंदे बनाने हैं। देखिए कैसे, ये जो पहला फंदा है इसको तो आप ऐसे सीधा बना लीजिए, ठीक है। अब इन 2 फंदों को 2 का 1 कर देंगे ऐसे, फिर इन 2 को 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। तो देखिए 3 से वापस आपको 3 फंदे मिल गए। धागा अपनी तरफ लाएंगे, अब यहाँ पर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2। धागा पीछे जाएगा, देखिए पहला फंदा तो आप इस तरह से सीधा बनाएंगे,
बाकी के दो फंदों को दो का एक कर देंगे। धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, दो का एक, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, एज स्टिच को हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए दो सलाइयाँ जो बनाई हैं हमने, ये इनको ही हम बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे। देखिएगा एक बार फर्स्ट रो आप फिर से देख लीजिएगा, पहला फंदा देखिए स्लिप करके, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, वन टू, धागा अपनी तरफ, देखिए तीन फंदे हैं ये। अब जो बेस रो मैंने आपको बताई थी वो रिपीट नहीं होगी, तीन फंदों को पांच बनाना है। देखिए वन टू थ्री फोर, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, देखिए यहाँ पे तीन फंदों से इस तरह से तीन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, धागा पीछे, दो सीधे, वन टू, धागा अपनी तरफ, तीन फंदे देखिए आ गई है, तीन से तीन बनाएंगे, वन टू थ्री, वन टू, एज स्टिच को उल्टा बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये जो दो सिलाइयाँ बनाई हैं, देखिए पैटर्न बहुत खूबसूरत सा बन के आने लग गया है। आप इसी तरह से बनाइएगा, तो जब आप इसे ज़्यादा फंदों पे बनाएंगे तो देखिए डिज़ाइन ना कुछ इस तरह से बन के आएगा, बहुत प्यारा पैटर्न बन के आता है। ये देखिएगा फ्रंट साइड इसकी ये है, रॉन्ग साइड इसकी इस तरह से है। तो गाइस वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा, साथ में देखिएगा सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी जैसा आइकन दिख रहा होगा उसको ना ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, और मेरे अदर्स चैनल है जो मेकअप वाला चैनल है उसको विजिट करके देखिएगा, वहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं बनाती रहती हूँ DIY स्किन केयर हेयर केयर से रिलेटेड, तो वीडियो पसंद आए तो वहाँ पर उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।